के शर्मा जी, महिलाओं का सम्मान आपकी पार्टी नहीं करती, आप लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते। मैं अभी उसका बता देता हूं, पहले इनको क्लियर कर दूं। ये मैंने फिर कहा, ये हु इज हु है। ये जब आप सांसद बनते हैं तो आपको खुद ये फॉर्म भर के अपना पूरा डिटेल सदन को देना होता है, मतलब सेक्रेटरीट में जमा करना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं, जब ये फॉर्म भर रही थी तब जया बच्चन आरएसएस की सदस्य थी? आरएसएस ने कहा था लिखने के लिए? किसने कहा था? और आज आपको, इतने लंबे समय से आप सांसद हैं, तब आपको विरोध नहीं हुआ? विधन है, दो सप्ताह से आपको आपकी पर्सनल आइडेंटिटी याद आ गई, और अमिताभ बच्चन आ जाने से उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। ये केवल है केवल, कोई जब आपके पास तर्क तथ्य नहीं है तो आप बता रहे हो, और अभी भी आपके पास रास्ता है। आप दो सप्ताह क्यों भी बात लेके चले, आप एक ही दिन रेख उठाते, हलफनामा एप्लीकेशन लिखते, उसमें कहते हैं कि मेरा नाम जो है बदल दिया जाए, मेरा नाम बदल के जया बच्चन कर दिया जाए, अमिताभ बच्चन नाम हटा दिया जाए। ये क्यों नहीं लिख के दे देती है वो? जब तक वो आप केवल डायरेक्शन सभापति को दोगे, उसको कहोगे कि नहीं मेरे को इस नाम से पुकारो। आज वहां 200 जो है 250 से ऊपर सांसद है, सब कहेंगे मेरे को टीनू बोलो जी, मेरे को मीनू बोलो जी। तो ऐसे चलता है क्या सदन? आप अपना नाम जो लिख के दिए हैं वहां पर, आप उसके उसी का नाम आएगा ना, इसी नाम से सैलरी ले रही है ना आप वहां पर, और किससे हो ले रही है? क्योंकि सारे आपके कागजात इसी पर है, तो बदलिए ना इसको जाके वहां पर। लेकिन वो नहीं करना है, केवल हंगामा इसलिए करना है क्योंकि पहचान बनानी। अभी आपने कहा दे हार गए, अरे भाई हम तीसरी बार मोदी जी तीसरी बार वहां पर प्रधानमंत्री बने। मैंने सैलरी कहा मानदेय होता है, मैं क्लियर कर दूं, जो सांसदों को मिलता है मानदेय मिलता है। तो आप ये समझिए कि वहां हम तो 240 भी जीते, हम तो सरकार में आए, तो हमें क्या बकवास है भैया? आप जो 10 साल से बाहर हो और आगे 5 साल बाहर रहोगे, उसकी आपको बौखलाहट है, तड़प है आपको। और इसीलिए आपने जब प्रश्न पूछा मानव जायसवाल जी से कि आप मिमिक्री पर क्या कहेंगे, इस पर क्या कहेंगे, तो कोई जवाब नहीं था। तो ये जो है माननीय प्रधान, एक मिनट में बात पूरी कर दूं, क्योंकि तीन लोग बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं, जब इनको उत्तर नहीं मिला तो माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत ऊपर ये वार करने लगे। आज इनको मिमिक्री का इनके ही कल्याण बनर्जी ने किया था, जिसकी देश भर में निंदा हुई। और अभी मेरे मित्र प्रवक्ता सपा के बड़े ज्ञान दे रहे थे, महिलाओं का सम्मान। अखिलेश जी, आपको पता है, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, सदन की बात कर रहा हूँ। 2019 की घटना है, आपके नंबर दो नेता होते थे आजम खान। ठीक है, समझ में आता है? नहीं, मुझे ये भी समझ में आता है कि आरएसएस में आज तक आप महिलाओं को शाखा में नहीं बुलाते, मुझे समझ में आता है। आप चिल्लाइए मत, 70 साल पहले की समझिए, आपने आधी आबादी को नकार रखा है, मुझे भी समझ में आता है। आप कहां से ट्रेनिंग लेके आए, मुझे भी समझ में आता है। मुझे आप डायरेक्ट जवाब ही लीजिए, ऐसे नहीं हो सकता मैडम। के शर्मा जी, जल्दी से 10 सेकंड में सर, आप अब अपनी बात पूरी कर लें। इसी लोकसभा में सांसद थे इनके आजम खान, और स्पीकर की कुर्सी पर बैठी थी रमा देवी, और क्या शब्द बोला था इनके नेता ने, सदन से बाहर करना पड़ा था आजम खान को। एक महिला का किस तरह से स्पीकर के पद में बैठे हुए, जो मैं बोल नहीं सकता, और इसके बावजूद जो है इतनी अकड़ थी उनको कि नहीं मैं माफी नहीं मांगूंगा। अखिलेश यादव तो सफाई दे रहे थे, बाद में तो माफी मांगना भी पड़ा, सब कुछ होना पड़ा। ठीक है सर, लेकिन अपने महिलाओं के इसीलिए शर्मा जी है, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है, बड़े से बड़े पदों पे गैर परिवार वाले ही लोग रखते हैं जिनके घर में महिलाएं नहीं होती। महिलाओं को सम्मान सिखा रहे हो, अरे इसीलिए चुन के लाते हैं। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगी जल्दी से। मानव जी, देश को खंडित करने की कोशिश कौन कर रहा है, महिलाओं का अपमान कौन कर रहा है? और मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा था कि मिमिक्री कांड आपको याद होगा, आप ही के सांसद मिमिक्री करते हैं, तब उस कुर्सी का अपमान क्यों होता है, तब आपको कुर्सी का अपमान नजर नहीं आता? मैडम, मिमिक्री संसद में हुई थी क्या? मैंने पार्लियामेंट के पटल पे हुई थी कि पार्लियामेंट के बाहर हुई थी? तो बाहर अलाउ, आप कुछ भी करिए। पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर किस व्यक्ति ने ऐसे 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 किया था? आज रामायण जी जवाब दीजिएगा जल्दी से, माना जी अपनी बात पूरी करिए। देश का जिक्र कर रहे हैं, उन पर बकायदा कार्रवाई हुई, स्पीकर ने कार्रवाई किया,
विशेषाधिकार में मामला गया हो, मामले के बाद कार्रवाई हुई है, महिलाओं की इज्जत को खा गए और बचा क्या है? अरे महिलाओं का सम्मान कर रहे हो, संदेश खाली में महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार हो रहे हैं, हत्या करवा रहे हो। महिला शर्मा जी जल्दी से मानव जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए सर, फिर मैं आपका रुख करूंगी जल्दी से। देखिए मैडम, ये है वाजपेयियों का बौखलापन, ये बौखला गए हैं आप जिस अच्छा। तरीके से पूरे देश में एकजुटता से चाहिए। ममता बनर्जी को एक महिला मुख्यमंत्री है जिसके अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, जिसके साथ खुलेआम जला दी जा रही है, और वो बंद रहती है ममता बनर्जी के, बौखला जा रहे हैं। देखिए मैडम, सर आज हम अलग विषय पे चर्चा कर रहे हैं, मानव जी सर मैं जिस विषय पर चर्चा करना चाह रही हूँ उसी विषय पर रहिए, मानव जी आप उसी विषय पर रहिए। क्या मैडम? मैं जिस विषय पर चर्चा करी उसी विषय पर रहिए। कि आपने ए हमारे जो बने उपराष्ट्रपति जो है, जो आज जो एक तथाकथित एक अच्छे चेयर पे जो बैठे हैं, जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं, निष्पक्ष होना चाहिए। पूरा देश देख रहा किस तरह के जो पक्षधर रहते हैं, आपको उनकी मिमिक्री दिख रही है जो एक सांसद ने करी, लेकिन वो व्यथा नहीं दिख रही है जब 150 लोगों को वहां से निकाल दिया गया। आपको व्यथा नहीं दिख रही है कि जब हम बेरोजगारों की बातें करना चाहते थे बात नहीं करने? के शर्मा जी, के शर्मा जी और अखिलेश जी जल्दी से सर, मेरे पास समय कम है, 10-10 सेकंड में आप दोनों से मैं जवाब चाहती हूं। जनता की आवाज जब आप लोग बने हैं, विपक्ष पर आपको बैठाया गया है, जिम्मेदारी मिली है, ये आपसी मतभेद, ये आपसी विरोध में आप जनता की आवाज को दबा दे रहे हैं। के शर्मा जी पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं अखिलेश जी से जवाब लूंगी इसका। 10-10 सेकंड में सर, विरोध में नहीं बैठे हैं मैडम, पहले तो भी एक चीज क्लियर कीजिए। हम मैं अखिलेश जी की बात कर रही हूँ, विपक्ष की बात कर रही हूँ, अखिलेश जी को हम देश के सत्ताधारी दल हैं। के शर्मा जी मैं विपक्ष की बात कर रही थी, अखिलेश जी की बात कर रही थी। ठीक है, मैं उनका जवाब दूं कि इनको समझना होगा कि ये उसके कैसे निभाते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कह दूं कि उपराष्ट्रपति महोदय का अभी आपने वीडियो दिखाया, कहीं कोई डेरोगेटरी कोई बयान नहीं है, लेकिन ये महिला का आड़ बना के पूरा विपक्ष ये चाहता है कि किस तरह से एक बात कहना चाहिए। माननीय उपराष्ट्रपति महामहिम जी के जो तरीके थे वो महिलाओं के प्रति जो जया जी ने उठाए वो जरूर ठीक नहीं थे।